गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट, बायोंसी एंड फ्लोटेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। The pressure at a point in water column is 3.924 newton per centimeter square. What is the corresponding height of water? ये है कि हमारे पास कि वाटर है और इसमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर दिया हुआ है 3.924 न्यूटन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि पानी की या वाटर की हाइट क्या होगी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये दिया हुआ है हमारे पास क्या है, वाटर भरा हुआ है और इसमें पूछा है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट हमको दिया हुआ है प्रेशर पी और इस पॉइंट पर प्रेशर दिया हुआ है 3.924 न्यूटन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि हाइट क्या होगी और हाइट किस में पूछी गई है, मीटर में। इसलिए आपको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये आएगा हमारे पास 3.924 बिकॉज एक मीटर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10^-2 मीटर और ऊपर जाएगा तो 10^4। तो 3.924 इंटू 10^4 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा रो जी एच, बिकॉज प्रेशर कितने किसके इक्वल होगा रो जी एच के। तो रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, एच हमको निकालना है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 मीटर। तो आंसर कितना आएगा 4 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When a body is submerged in a liquid in hydrostatic equilibrium, मतलब हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी किसमें है, बॉडी पूर्ण रूप सम्मर्ज का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से डूबी हुई है किसमें, लिक्विड के अंदर। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास लिक्विड है और इस लिक्विड में बॉडी है हमारे पास, वो पूर्ण रूप से हमारे पास बॉडी डूबी हुई है। ठीक है कि हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इस पर सभी तरफ से लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा, तभी क्या कहलाएगी, एक हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। द फ्लूइड एग्जर्ट ए फोर्स ऑन ऑल सरफेस विद ए प्रेशर, मीन्स सभी सरफेस पर क्या लगे, इसके प्रेशर लगे, जिससे क्या है कि बॉडी वहीं की वहीं रुकी रह जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। व्हाट इज बायोंसी फोर्स, ये बेसिक क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, क्या आएगा इसका आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, दी कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, या ऑन की प्लेस पे क्या है, ऑन क्या है और डिप्रेशन इन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज, मीन्स एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब है तो उसमें कैपिलरी राइज और डिप्रेशन किसके समानुपाती होगा और किस, ये हमको देखना है। तो ये होता है हमारे पास हाइट या राइज या डिप्रेशन, जो कैपिलरी राइज या डिप्रेशन एच होता है, ये होता है हमारे पास 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, और रो क्या होता है, रो जी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, तो डब्ल्यू डी भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूड, तो ये तो स्पेसिफिक वेट के कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस टेंशन, तो एच और सिग्मा में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर, एच और डी में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली, तो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ डायमीटर, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या करेक्ट आएगा, सी आएगा।
सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं, व्हेन कैन ए पीजोमीटर बी नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स, कि एक पाइप में प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए पीजोमीटर को कब उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। जब प्रेशर डिफरेंस लो हो, वेरी बिल्कुल गलत होगा, वेलोसिटी हाई होगी, ये भी गलत है। जब फ्लूड हमारे पास क्या होगा, पाइप में गैस होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा, क्योंकि गैसों के केस में क्या होगा हमारे पास, लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक पाइप है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पीजोमीटर लगा हुआ है। तो यदि इसके अंदर भी गैस है और बाहर भी क्या है हमारे पास, एयर है, तो यहाँ क्या है, गैसों का इंटरफेस दिखाई नहीं देगा, बिकॉज गैसों में क्या होता है, इंटरफेस नहीं होता है, इसलिए पीजोमीटर गैस के प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट स्टार्ट ऑस्किलेटिंग अबाउट ए पॉइंट इज नोन एज, कि हमारे पास कोई भी लेट अस कंसीडर फ्लूइड है और इस फ्लूइड में कोई भी बॉडी हमारे पास क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब यदि इस बॉडी को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, तो ये बॉडी इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या करती है, ऑस्किलेशन करना स्टार्ट कर देती है, इसी पॉइंट को कहा जाता है मेटा सेंटर। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। दी फोर्स बायोंसी इज डिपेंडेंट ऑन, तो बायोंसी फोर्स हमारे डिपेंड करते हैं कि कितना फ्लूड डिस्प्लेस किया गया है, तो आंसर क्या आएगा, मास ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी ब्लॉक, ए ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ओवर वाटर इन ए बिसल स्लोली मेल्ट इन इट, दी वाटर लेवल इन दी बिसल, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर भरा हुआ है H2O, और इसमें क्या है, एक आइस का टुकड़ा है, तो आइस मेल्ट होने के बाद जो लेवल रहता है वो सेम रहता है, कोई भी लेवल पर इफेक्ट नहीं आता है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो इसको डिस्कस किया जाएगा इन क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी याद रख लीजिए, बाकी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वुड हैविंग वेट 5 kg फ्लोट्स इन वाटर विद 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर द लिक्विड, डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वुड, मतलब हमारे पास क्या है, एक कोई भी वाटर भरा हुआ है, इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाला हुआ है जिसका 60% जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के अंदर है, बाकी 40% कहाँ होगा, इसके बाहर होगा, तो बताइए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी वुड की। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास वाटर भरा हुआ है कोई, और इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा डाला हुआ है, और ये लकड़ी का टुकड़ा 60% पानी के अंदर है और 40% इसके सरफेस के ऊपर है, तो टोटल वॉल्यूम का 0.6 ऑफ वॉल्यूम कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, तो ये कौन सा कंसेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का। तो हम कंसिडर करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जैसा कि बॉडी हमारी तैर रही है, तो यहाँ कंसेप्ट लगेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि वेट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल होता है, बायोंसी फोर्स के, तो वेट कितना होगा, स्पेसिफिक वेट मीन्स डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दिस विल बी इक्वल टू बायोंसी फोर्स, कितने होते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर मीन्स जिस फ्लूड में बॉडी को डाला गया है उसकी डेंसिटी को कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ फ्लूड क्या है, वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी इंटू 0.6b, तो यहाँ से देखते हैं जी से जी कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, 1000 इंटू 0.6, तो कितना आ गया, 600 kg/m³। तो इसको स्पेसिफिक में कैसे करेंगे, इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों लगा निकाल दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज दी, मतलब कोई बलून जो हवा में लिफ्ट कर रहा है तो क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी फॉलो करता है, आर्कमिडीज प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है और प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी को भी फॉलो करता है, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए डॉल्फिन ग्लाइड्स थ्रू एयर इट एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.75 मीटर ऑफ मरकरी. द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन डॉल्फिन व्हेन इट इज 5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. तो देखते हैं, चलो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी, लेट अस कंसीडर कोई भी सी वाटर है या नॉर्मल वाटर है, इसमें डॉल्फिन है वो ग्लाइड्स करती है, मतलब ऊपर एयर में जाती है. यहाँ इस पर प्रेशर कितना लग रहा है, 0.75 का, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है आपको. ये फिर अगेन क्या करती है, यहाँ से पानी के अंदर चली जाएगी और लेट अस कंसीडर कितनी हाइट पर जा रही है, 5 मीटर की हाइट पर जा रही है. तो आप बताइए कि इस डॉल्फिन के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू क्या होगी. डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को. तो लेट अस कंसीडर हमारे पास ये कोई भी वाटर भरा हुआ है. इस वाटर में से क्या है, डॉल्फिन जाती है एयर में, और जब एयर में या हवा में जाती है तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 0.75 मीटर है ये, 0.75 मीटर ऑफ एचजी. इसको लिखा जा सकता है 750 mm ऑफ एचजी, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ठीक है. 0.75 मीटर ऑफ एचजी. जैसे ही ये क्या है कि यहाँ से एटमॉस्फेयर से अगेन किसके अंदर जाती है, पानी के अंदर जाती है, वाटर के अंदर जाती है. तो ये अगर 5 मीटर की हाइट पर है तो बताइए इस डॉल्फिन के ऊपर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो कितना होगा. अब देखिए, हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है. एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो पी एटमॉस्फेयर प्लस का गेज प्रेशर होता है, और गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच. इसके बाद देखते हैं, तो पी एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, रो. तो यहाँ से हमारे पास पी एटमॉस्फेयर कितना है, 0.75 मीटर ऑफ एच जी. तो ये आएगा एच जी है, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच कितना है, 0.75 प्लस का रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच. तो डेंसिटी ऑफ मर्करी 13,600 इंटू जी 9.81 इंटू 0.75 प्लस का 1000 इंटू 9.81 इंटू 5. तो ये आएगा 149112 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में. लेकिन ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, न्यूटन बटे एमएम स्क्वायर में, तो किससे डिवाइड करोगे, 10 की पावर 6 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.15. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कितनी कारें हैं, 4 कार्स हैं विद ए मास ऑफ 1500 केजी ईच. मतलब एक कार का वेट कितना है, एक कार का मास कितना है, 1500 केजी है. तो 4 कार का कितना हो जाएगा, 6000 केजी. आर लोडेड ऑन ए 6 मीटर वाइड और 12 मीटर लॉन्ग स्मॉल कार फेरी. मतलब कोई भी कार फेरी है, इसके ऊपर 4 कारें हमारी लोड की गई हैं, तो इसका जो मास होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 6000 केजी. और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, 12 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 72 मीटर. तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72 मीटर स्क्वायर. अब देखिए, 4 कारें लगी हुई हैं, तो ऊपर से जो इन कारों का वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और ये मास दिया हुआ है, तो मास को वेट में बदलोगे इंटू जी से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा आपका. अब ये कह रहा है कि हाउ डीप इन सेंटीमीटर विल इट सिंक इन वाटर. तो पानी में कितनी गहराई तक ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. तो लेट अस कंसीडर करते हैं, हमारे पास ये क्या है, कोई भी वाटर भरा हुआ है, इसके ऊपर कार फेरी है जिसमें 4 कारें को रखा गया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 6000 केजी. तो ऊपर से जो वेट लग रहा होगा इन कारों का वो कितना होगा, मास इंटू जी, 6000 इंटू जी न्यूटन आ जाएगा. तो एरिया कितना है, 72 मीटर स्क्वायर है. तो बताइए इस कितनी गहराई तक ये डूब जाएंगी भाई, कितना प्रेशर डेवलप करेगा ये, जो मास है किसका, जो कार का वेट है, जो 4 कार है इनका वेट है, कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप करेगा, और वो प्रेशर डेवलप करेगा फोर्स बाय एरिया से हमारा निकल जाएगा, कि नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दी प्लेट. तो ये प्रेशर डेवलप करेगा 817.5 पास्कल. अब यदि इस पॉइंट पर 817.5 पास्कल प्रेशर लग रहा होगा, मतलब कितनी गहराई पर होगा, तो ये लगा दीजिए पी इक्वल टू रो जी एच, यहाँ से एच निकल जाएगा,
और h निकल के हमारे पास आएगा 8.33 सेंटीमीटर, इतनी गहराई में ये सिंक हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्मॉल प्लास्टिक बोट लोडेड विद पीस ऑफ स्टील रॉड, मतलब एक प्लास्टिक बोट है इसके अंदर क्या है, स्टील की रॉड पड़ी हुई है, फ्लोटिंग इन ए बाथटब, किसी भी कंटेनर में क्या है, तैर रही है। इफ द कार्गो इज डंप्ड इनटू द वाटर, कार्गो किसके हवा है, जो उसके अंदर सामान रखा है इसे कहा गया है कार्गो। कार्गो का मतलब क्या है, जो उसके अंदर जो स्टील रॉड्स रखी हुई हैं ये क्या है, कार्गो है। और इनको खाली करके किसके अंदर डाल दिया जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। तो बताइए इस टब का लेवल पर क्या असर पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो कंसेप्ट लगता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यदि इस स्टील रॉड को यहाँ से उठा के इस पानी के अंदर डाल दिया गया तो देखा जाएगा कि इसके इसने जो डिस्प्लेस्ड किया किसको, वाटर को, वो कम किया या ज़्यादा किया। यदि डिस्प्लेसमेंट कम होता है वाटर का तो लेवल क्या होता है, फॉल होता है। तो इसको भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी तो केवल आंसर याद रखिए, लेवल क्या होगा, फॉल होगा। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए अननेसेसरी, क्लास में ध्यान दे लीजिएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल बैलून ऑफ 1.5 मीटर डायमीटर इज कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर एंड चेंड टू द बॉटम। इफ द चेन हैज ए टेंशन ऑफ 10 किलो न्यूटन द वेट ऑफ द बलून इन एयर इज, मतलब ये हमारे पास कोई बलून किया है, बलून है, और बलून कैसा है, स्फेरिकल बलून है जिसका डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर डायमीटर है इसका। इसको एक चेन से बांध दिया गया है और यहाँ इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इधर इस पर क्या आएगा, बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ आएंगे, टेंशन इधर आएगा। तो बैलेंस कर दीजिए, फोर्स बैलेंस करने पर क्या निकल जाएगा हमारे पास, लेट अस कंसीडर, ये तो एयर में हो गया और ये हमारे पास हो गया किसमें, पानी के अंदर हो गया, वाटर के अंदर हो गया, ये क्या हो गया, एयर के अंदर। तो जो वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और बायोंसी फोर्स लगेंगे वो ऊपर की तरफ लगेंगे, और जो टेंशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ उठाएगा तो टेंशन किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं सॉल्यूशन को। तो वेट प्लस का टी इक्वल टू बायोंसी फोर्स, तो वेट कितना होगा, स्पेसिफिक वेट इंटू पाई बाई सिक्स डी क्यू, टेंशन कितना दिया होगा, 10 किलो न्यूटन, किलो का किसमें उतर जाएगा, न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 10,000, प्लस का बायोंसी फोर्स, बायोंसी फोर्स कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम, पाई बाई सिक्स डी क्यू कर दिया है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, आर इक्वल टू डी बाई टू पुट कर दिया है, और डी बाई टू पुट करने पर ये आएगा पाई बाई सिक्स इंटू डी क्यू, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्यूशन कर दिया है तो ये स्पेसिफिक वेट आ जाएगा 4151.15। तो वेट इन एयर कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, या डायरेक्ट यहाँ से भी निकाला जा सकता है, 7.33 किलो न्यूटन आंसर क्या आएगा, 7.33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोन फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इन वाटर, मीन्स एक बॉडी है जिसका रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, इसे इसके अंदर डुबाया गया है पानी के अंदर, तो बताइए कितना बायोंसी फोर्स लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बायोंसी फोर्स क्या होते हैं हमारे पास, एफ बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड, आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड कितना है 1000, जी की वैल्यू 9.81, वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड 4/3 पाई आर क्यू, सॉल्व कर दीजिए आंसर जाएगा 11.09.48। उसके बाद पूछा है फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ बायोंसी फोर्स, भाई बायोंसी फोर्स है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स कितना होता है, एम ए, एम ए मीन्स मास क्या है, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन क्या होता है, के जी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो के जी को क्या लिखा जाएगा, एम वन एल वन अपॉन टी स्क्वायर, तो टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी, सॉल्यूशन दिया हुआ है देख लेना आगे। तो यूनिट ऑफ बायोंसी फोर्स क्या होगी, न्यूटन होगी, न्यूटन क्या होता है, के जी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, के जी को एम वन, मीटर का एल वन, और सेकेंड स्क्वायर का टी की पावर माइनस टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी, माई सेल्फ पुष्पेंद्र और मेरे साथ हैं राकेश सर।